नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है क्रिकेट लाइव 51 में। आप YouTube चैनल पर हमें सर्च कर सकते हैं क्रिकेट लाइव 51। मैं लगातार IPL पर आप लोगों को न्यूज प्रोवाइड करवा रहा हूं। दोस्तों कल था पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स का मैच। दोस्तों मैं आइए पूरी बातें बताते हैं, पूरी खास खास बातें, कितने रन बना था, क्या सारी चीज़ें। तो जुड़े रहिए वीडियो में, लास्ट तक 2 मिनट का वीडियो होने वाला है, उसी में आप लोगों को सारी बातें हम बताएंगे। दोस्तों कल पंजाब ने जो है टॉस जीता, लेकिन टॉस जीतने के बाद सबसे पहले बल्लेबाजी करने को दिया दिल्ली कैपिटल्स को। दिल्ली कैपिटल्स पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी, लेकिन मोहम्मद शमी के जबरदस्त बॉलिंग के सामने न टिक सकी और ओपनर बल्लेबाज 3 बल्लेबाज तुरंत ही आउट होकर के पवेलियन चले गए ओनली 13 रनों पर। दोस्तों इतने कम रन के बाद फिर आए ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर ने कप्तानी पारी खेलते हुए पूरा मैच को आगे तक बढ़ाया और एक सम्मानित स्थिति में ले जाकर के 150 रन के ऊपर जो है अपनी टीम को पहुंचाया। उसके बाद में टोटल दिल्ली कैपिटल्स वालों ने बनाया 157 रन। 157 रन के जवाब में जब पंजाब खेलने के लिए उतरी तो करिश्मा ये हुआ कि 157 रन उसके भी बने। उसके बाद शुरू होता है सुपर ओवर। दोस्तों रबाड़ा ने फिर 2 विकेट सुपर ओवर में घसीट दिए और पंजाब दोबारा से जब सुपर ओवर हुआ तो पंजाब को खेलने का मौका मिला। और पंजाब जब खेलने आई तो सिर्फ और सिर्फ 1 ओवर में पंजाब की टीम ने सिर्फ 2 रन बनाए। ये पूरे जो है मैच में आज तक के सुपर ओवर का सबसे कम रन है, 2 रन। उसके बाद दोस्तों होता ये है कि दिल्ली की टीम फिर से उतरती है और जहां वो टीम हार रही थी वहां पर दो गेंदों में ही 3 रन बना करके मैच को जीत लिया। तो कल के IPL का यही पूरा स्ट्रक्चर था, आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं शिखर धवन की। शिखर धवन जो है कल रन चुराने के चक्कर में झटक गए और रन आउट होकर के पवेलियन वापस चले गए। और कल जो सबसे ज़बरदस्त बॉलिंग थी वो पंजाब की टीम से वो थी मोहम्मद शमी की, जिन्होंने 4 ओवर फेंक करके और 15 रन दिया और 3-3 विकेट जो है हासिल किए और अच्छे अच्छे क्रिकेटरों को धूल चटा दिया। तो ये था कल का मैच, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। दोस्तों IPL से जुड़ी और जानकारी के लिए आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि अगली न्यूज़ फिर आपको मिल जाए। और डेली हम शाम को 7:30 बजे से अपने चैनल पर लाइव दिखाते हैं मैच को, तो आप जुड़िएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।